हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव पेपर ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा विथ बॉट। एंड ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग व्यू के जरिए करी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि हमारी वेबसाइट से आप फुल्ली ऑटोमेशन, सेमी ऑटोमेशन जो भी है, जरोदा, फायर्स एंड अपस्टॉक तीनों जगह काम कर सकते हैं। 499 रुपीज़ चार्ज है। एंड अब मैं आपको बता दूं, जो हमने फीचर ऐड करा पेपर ट्रेडिंग का, वो कैसे वर्क करता है। तो डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आप भी, अगर हमारी वेबसाइट पे पैड यूजर है, तो आप ये पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी वगैरह चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये पेपर ट्रेडिंग डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से है। जब आपका अकाउंट होगा, आप पेपर ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, बट आप पेड यूजर होने चाहिए, देन जब आपको ये दिखेगा। अदरवाइज आप इस पे क्लिक करोगे तो आप होम पेज पे आ जाओगे। तो पेपर ट्रेडिंग का डैशबोर्ड है। इसके अंदर हमने तीन कॉलम दिए, जिसमें से दो कॉलम काम कर रहे हैं। पहला कॉलम काम कर रहा है टोटल ऑफ ट्रेड, सॉरी, पहला कॉलम काम कर रहा है जो भी टोटल ऑफ डे का प्रॉफिट लॉस होता है वो आपको यहाँ शो कर देता है। एंड दूसरा कॉलम काम कर रहा है कि आप टोटल ऑफ ट्रेड कितनी कर चुके हो। तो अगर आप एक बाय करते हो, एक सेल करते हो, इसे दो ट्रेड माना जाता है। एंड इसके अंदर एक फीचर हमने लगा रखा है, हम ज़्यादा डाटा सेव नहीं कर सकते, तो इसके अंदर हमने ये कर दिया कि रात को 11:30 से 12 बजे जितना भी आपने ऑर्डर लगाए ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। और एक दिन में आप 100 ऑर्डर लगा सकते हो, 100 से ज़्यादा आप लगा नहीं सकते। तो ये लिमिटेशन लगा रखी है, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र हैं, वो सारा डाटा हमारी वेबसाइट पर आएगा एंड हम उसे कहाँ स्टोर करेंगे। इस चक्कर में अभी हमने इसे बीटा टेस्टिंग में रखा हुआ है एंड ये लिमिटेशन लगा रखी है। अब काम कैसे करना है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर एक मैंने कोड दे रखे हैं, ये इसके बस चार ही कोड है। दो कोड है इसके फुल्ली ऑटोमेशन के और दो कोड है इसके बाय सेल के, मतलब सेमी ऑटोमेशन के। अभी इनका यूज भी करना मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूँ। ये दो कोड है इनके सेमी ऑटोमेशन और दो है ये फुल्ली ऑटोमेशन। तो ये चार ही कोड है, इसके अंदर आप लिमिट ऑर्डर, एसओ ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं लगा सकते। ये स्ट्रैटेजी टेस्ट करने के लिए कि लाइव मार्केट में आप कोई स्ट्रैटेजी लगा देते हो तो उसको चेक करना हो कि हाँ फुल्ली एल्गो पे वो कैसे चल रही है, कि अगर आप लगा के छोड़ देते हो तो प्रॉफिटेबल है नहीं है। इस बेस के लिए हमने ये चीज बनाई है, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। अच्छा, इसके अंदर क्या लिमिटेशन है मैं बता दूं, जो आपके ऑर्डर आएंगे, चलो मैं आपको लगा के दिखाता हूं। हम अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे गए, ट्रेडिंग व्यू का वही ट्रायल होना चाहिए जैसे आपको पता है, और हमने बैंक निफ्टी का पहले से चार्ट खोल रखा है। तो अभी मैं कोई भी इंडिकेटर लगा के ये सारी चीजें कर सकता हूं, बट वही मैं अपना फिर रिपीट करूंगा कि मैं हॉरिजेंटल लाइन इसलिए लगाता हूं क्योंकि मुझे टाइम नहीं होता इंडिकेटर का, सिग्नल का वेट करने का, एंड मैं हॉरिजेंटल से ट्रिगर करा के देख लेता हूं। तो जैसे जो आपका अकाउंट होता है उसके डैशबोर्ड पेज पे जाओगे, आपको वहां एक चीज दिखेगी, पेपर ट्रेडिंग यूआरएल। आपको इस यूआरएल को कॉपी करना है। ये पेपर ट्रेडिंग के लिए, इसके ऊपर वाला यूआरएल है जो वो है रियल ट्रेडिंग के लिए। तो हमें पेपर ट्रेडिंग के लिए नीचे वाला कॉपी करना है, वेबसाइट पे जाना है, जिस भी इंडिकेटर में हम कंडीशन डाल रहे हैं, जैसे मैं इसमें अलर्ट्स डाल रहा हूं, तो इसके अंदर वेब हुक के अंदर जाके इस यूआरएल को पेस्ट कर देना, जैसे मैंने आपके सामने कर दिया। इसे हम डिलीट मार देते हैं और कोड पे गए। तो यहाँ दो कोड है जैसे मैंने बताया, आपको दोनों का यूज दिखा देता हूं। पहला है सिंपल बाय, मतलब इसके अंदर डायरेक्ट बाय करेगा। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना ना, आपको बस जिस जिस चार्ट पे आप लगाओगे ऑटोमेटिक उस चार्ट का सिंबल ले लेगा, जिस चार्ट पे आप लगाओगे ऑटोमेटिक उसका प्राइस ले लेगा एंड क्वांटिटी भी ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके अंदर हमने बाय डिफॉल्ट 100 क्वांटिटी कर रखी है, ना आप 100 से ज्यादा डाल सकते हो ना 100 से कम डाल सकते हो, आप डाल ही नहीं सकते। आपको क्वांटिटी यहाँ कहीं ऐड ही नहीं करनी, ऑटोमेटिक 100 क्वांटिटी लेता है। एज अ डेमो के लिए हमने 100 क्वांटिटी ले रखे, नहीं तो हम अगर इसे 100 नहीं करते, लोग 1-1 लाख की क्वांटिटी डालते एंड फिर वो बेकार में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैंने अभी क्या करा, 100 क्वांटिटी ले ली एंड मैं गया इस पे और मैंने इस कोड को यहाँ डाल दिया, ये सिंपल बाय का कोड है। एंड क्रिएट, जैसे मैंने क्रिएट करा, यहाँ पर एक अलर्ट्स आ जाए, एक मतलब अलर्ट्स बन जाएगा, ये बन गया बैंक निफ्टी पे। कंडीशन मेरी ये है कि इस पे जैसे ही टच करे मेरा बाय हो जाए। तो अब हम यहाँ जाते हैं साइट के अंदर, आपको एक चीज करनी, जो भी ऑर्डर आएगा वो बैक एंड में तो लग जाएगा, बट आपको ये मास्टर रिफ्रेश करना पड़ेगा जब भी आपको ऑर्डर दिखेगा वो, अदरवाइज आपको नहीं दिखेगा। हर ऑर्डर के साथ, जैसे कि आपका एल्गो चल रहा है और आप शाम को आते हो, आपने पेज खोल रखा, आपको मास्टर रिफ्रेश करना पड़ेगा, वो सारे ऑर्डर लगे हुए हैं पर वो बैक एंड में लगे हुए हैं, वो बैक एंड में। तो जैसे आप इसे करोगे डाटाबेस से यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं आपको दिखा दूं, अब हम इसे ट्रिगर कराने जाते हैं, जो भी प्राइस करंट चल रहा है वो प्राइस ऑटोमेटिक कैच करके वहां भेज देगा 100 क्वांटिटी में। हमने बाय का कोड डाला था, आप देख सकते हो इधर बाय कर लिया, अलर्ट्स आ गया एंड हम साइट पे चलते हैं। यहाँ कोई ऑर्डर नहीं आया पर बैक एंड में लग गया है, तो हम जैसे ही मास्टर रिफ्रेश करेंगे ऑर्डर दिख जाएगा। तो ये हमें दिख गया बाय का ऑर्डर। तो इसके अंदर क्या है, इन्हें ऑटोमेटिक सिंबल ले लिया जो बैंक निफ्टी का था, एनएससी के अंदर आया है, प्राइस ऑटोमेटिक ले लिया कि उस टाइम क्या प्राइस चल रहा था जब हमारी कंडीशन ट्रिगर हुई थी।
उसके बाद इनने बाय पोजीशन करी, ये ले लिया मैंने जैसे आपको बताया था 100 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी ले ली। पीएल इसने शो इसलिए नहीं करा क्योंकि ये अभी एक्टिव पोजीशन है, मतलब बाय की साइड में है, और अभी जब तक सेल नहीं करेंगे जब तक हमें पता कैसे चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। और जो भी टोटल ऑफ अमाउंट है, मतलब जो सो जिस प्राइस में लिया है 100 क्वांटिटी को, तो टोटल ऑफ अमाउंट जो लगता है वो इनने कैलकुलेट करके यहाँ लगा रखा, बकायदा आपका टाइम भी लगा रखा है कि ऑर्डर ये किस टाइम और किस डेट पे ट्रिगर हुआ है। तो ये हमारा बाय हो गया, जो सिंपल हमने बाय का कोड लगाया था। अब यहाँ गए, अब हमने सेल का कोड उठाया, ये सिंपल सेल का कोड है, ये फुल्ली एल्गो नहीं है, सेमी ऑटोमेशन के लिए, दोनों का यूज बताऊंगा मैं अभी आपको। फिर से हम इधर गए अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे, एंड ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे जाके हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ले ली, एंड मैं इन फ्यूचर इसके है ना किसी इंडिकेटर पे भी वीडियो बना दूंगा, जो ओआरबी इंडिकेटर है उस पर मैं हो सकता है कि कल इसको फिक्स करके उस पर वीडियो बनाऊं, 5-7 स्टॉक ऐड कर दूंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ उसका क्या रिजल्ट आया। मैंने सेल का कोड डाल दिया, जब हमने बाय कराए तो उसे एग्जिट करने के लिए सेल करेंगे तो सेम क्वांटिटी में ही सेल होगा। तो मैं ये जो कोड जो लाइन है, एक सेकेंड, ये जो लाइन है इसको नीचे कर देता हूँ अपने, पहले कलर चेंज कर देता हूँ, पहले हमने बाय करा था अब हमने सेल करा है, तो जो बाय वाली लाइन है उसका कलर मैं चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ जिससे हमें भी पता रहे कौन सी लाइन क्या है। तो ये कमांड को हम नीचे करते हैं, अब हम ट्रिगर कराते हैं सेल वाली कमांड। तो सेल वाली कमांड के बिल्कुल फ्रंट पे लेके आ गए, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़, आप इंडिकेटर के साथ भी कर सकते हो, मैं हॉरिजॉन्टल के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को फास्ट टिगर कराने। तो ये टिगर हो गया, अलर्ट्स आ गया अलर्ट्स लॉग में, हम वेबसाइट पे गए, अभी कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा पर बैक एंड में लग गया, जैसे मैंने बताया था मास्टर रिफ्रेश करोगे जब आपको शो होगा। तो जैसे हमने मास्टर रिफ्रेश करा, लोडिंग ले रहा है, अभी क्या है मेरे पास बहुत सारी टैब खुली हुई, 5 मॉनिटर है, 5ों मॉनिटर में ये लगा लो कुछ नहीं तो 150 टैब खुली हुई है, इसलिए थोड़ा सा लोड ले रहा है, एंड मेरा पीसी भी लैग कर रहा है अभी के लिए। तो आप देख सकते हो कि जो हमने बाय करा था उसे बाय एग्जिट नाम से इनने एक सेंटेक्स दिया है पोजिशन में, और रियलिटी में ये हुआ है सेल, पर इन ये दोनों चीजें बता रहा है, जो आपने बाय करा था वो बाय एग्जिट हुआ है, एंड रियलिटी में वो हमने सेल करा था, तो ये चीजें बता रहा है। अब बाय करा था और सेल करा था उसके बीच में हमें इतना प्रॉफिट हुआ है जो कि वो पॉइंट ऑफ में है, जैसे कि हमने इस प्राइस पे बाय करा था और इस प्राइस पे सेल करा, तो ये प्रॉफिट निकलता है वो भी 100 क्वांटिटी में, ठीक है जी। परसेंटेज में बता रहा है कि 0.04% प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से बाय सेल का काम करता है, और एक्टिव पोजीशन में आपकी इनने पोजीशन काल दी और टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर दिखा रहा है। ये तो हो गया सेमी ऑटोमेशन का कोड, ऑटोमेटिक ये सिंबल ले रहा है, ऑटोमेटिक ही ले रहा है। कोड फिर से मैं दिखा दूं, कोड के अंदर ना आपको सिंबल डालने की जरूरत है, ये ट्रेडिंग व्यू का फीचर है, एक्सचेंज टू ट्रेकर आईडी डाल दी तो ऑटोमेटिक ट्रैक कर लेता है, प्राइस भी वो ऑटोमेटिक ट्रैक कर लेता है, बस हमें ये बाय एंड सेल डालना पड़ता है, वो चीजें हमने डाल रखी है। तो ये चीज होगी, अगर मैं फुल्ली ऑटोमेशन चाहता हूं तो आप फुल्ली ऑटोमेशन पे आ जाते हैं, हम एक बाय का कोड उठा लेते हैं, ये मैंने बाय का कोड उठाया एंड इसे कॉपी कर लिया। इस कोड के अंदर बस पीछे क्या लिखा हुआ, ओल्ड पोजीशन क्लोज, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ओल्ड पोजीशन है तो उसे क्लोज करेगा और नई पोजीशन लेगा। तो अभी देखते हैं, अभी हमारे पास कोई ओल्ड पोजीशन नहीं है तो ये डायरेक्ट बाय कर लेगा, पर अगर होती तो ओल्ड पोजीशन को क्लोज करता, नई पोजीशन ले लेता, पर ये उसी सेम सिंबल की पोजीशन को क्लोज करेगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे अभी मैं बैंक निफ्टी में लगाऊंगा तो बैंक निफ्टी की ओल्ड पोजीशन को क्लोज करेगा, ये नहीं कि वो सबकी कर देगा क्योंकि इसमें ट्रेकर आईडी चल रही है। तो अब हम चलते हैं अपने बाय वाले कोड के कोडिंग को चेंज करते हैं, एंड मैंने इसके अंदर इस चीज को डाल दिया, आपके सामने डाल देता हूं मैं, ये चीज मैंने डाल दी एंड सेव करा। सेव करने के बाद मैं इसे ट्रिगर कराता हूं, और मैं इसे आपको कई बार दिखाना पड़ेगा जिससे आप इस चीज को समझ पाओगे। तो मैंने जैसे ही इसे ट्रिगर कराया, यहां ट्रिगर हुआ, अलर्ट्स आ गया, एंड हम चलते अपने फायर्स अकाउंट पे, सॉरी फायर्स कह रहा हूं नेक्स्ट लेवल बॉट अकाउंट पे, और इसे रिफ्रेश करा, यहां डाटा लोड हो जाएगा, ये हो गया बाय। तो इसे पुरानी पोजीशन कोई मिली नहीं तो इसने क्लोज नहीं करा, डायरेक्ट बाय कर लिया, बहुत अच्छा करा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चीज आप सारी चीजें बंद भी कर दोगे, बस आपका अलर्ट्स होने ऑटोमेटिक होता रहेगा, शट डाउन होने पे भी पीसी होता रहेगा, पर मैं आपको खोल के इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको दिखेगा जब भी, तो आपको समझ आएगा, नहीं तो अगर मैं सारी कंडीशन लगा दूं और फुल्ली ऑटोमेशन कर दूं तो मेरा पीसी चलता रहेगा जो भी मैंने अपने इंडिकेटर में कंडीशन बनाई है। तो अब चलते हैं हम यहां, अभी हमने बाय करके दिखा दिया, अब हमारी एक बाय की पोजीशन ओपन है, तो हम चाहते हैं कि भाई बाय की पोजीशन क्लोज और नई पोजीशन हमारी डल जाए, तो हम ये सेल वाला कोड लेंगे, ये फुल्ली ऑटोमेशन का, जैसे मैंने बताया था 4 कोड है। तो अब ये कोड जब ट्रिगर होगा क्या होगा, ये इतनी डिटेल में तो वीडियो है नहीं, पर अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव हो तो आपको समझ आ जाएगा कि यहां पर क्या हो रहा है। अब हमने ये सेल का कोड डाल दिया एंड अब इसे ट्रिगर कराया, बिल्कुल ट्रिगर करा दिया, और यहां पर अलर्ट्स आएगा जैसे कि आपको पता है, जैसे वो ट्रिगर होता है तो ऑटोमेटिक वो प्राइस फिक्स कर लेगा, यहां पर अलर्ट्स आया एंड हम इधर गए और हमने इसे रिफ्रेश करा। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए, इनने पहले जो बाय करा था उसे तो एग्जिट कर दिया, यहाँ पर एग्जिट करा है सेल से,
एंड उसके बाद इन्हें एक सेल की पोजीशन लगा दी। तो ये फुल्ली ऑटोमेशन है, पुरानी पोजीशन को क्लोज करेगा, नई पोजीशन लगाएगा। बट अगर पुरानी पोजीशन होती है तो इन्हें जब पुरानी पोजीशन को क्लोज करा बाई की, तो इसको 310 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ और ये प्रॉफिट था, और नई पोजीशन इन्हें सेल की लगा दी। अब इसकी लिमिटेशन एक और बता दूं, जैसे कई लोग होते हैं कि वो एक ही चीज को बार बार बाय करते हैं, तो इसमें सेम सिंबल में आप एक ही चीज को या बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। जैसे आप बाय करना चाह रहे हो, आप सिंपल सिंपल क्वांटिटी में ले रहे हो, 100-100 बाय करना चाहते हो, ऐसा नहीं कर सकते। पहले आप बाय करोगे फिर सेल करोगे, या पहले सेल करोगे फिर बाय करोगे। ऐसा नहीं कि आप 5 बार बाय बैंक निफ्टी को एक ही साथ कर लो उसके बाद सेल कर रहे हो, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर लेना, ग्रुप में मैसेज कर देना, टेलीग्राम में, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये सेल हो गया। अब हम बाय का कोड हमने पहले से लगा रखा है अपने इसके अंदर, तो अब ये क्या करेगा, ये बाय को क्लोज, सेल को क्लोज करेगा और बाय की पोजीशन डाल देगा। मैं करके दिखाता हूं, अगर ये किसी मैकडी या किसी इंडिकेटर में होता तो पुरानी पोजीशन को क्लोज करता और नई पोजीशन लगाता रहता, मतलब फुल्ली ऑटोमेशन में चलता रहता। ये अलर्ट्स आ गया एंड हम इधर गए एंड हमने देखा कि हमारी एक सेल की पोजीशन हैगी, आप एक्टिव पोजीशन में देख सकते हो सेल की पोजीशन हमारी ऑन है। एंड जैसे मैंने इसे रिफ्रेश करा तो यहां पर देखिए कि बाय की पोजीशन ऑन हो गई, क्योंकि सेल की उनने काट दी और नई पोजीशन बाय की लगा दी। इसके अंदर जो लॉस हुआ वो इतना हुआ, तो टोटल ऑफ आपको एक एक्यूरेसी दे देगा। हाँ, इस एक्यूरेसी को हम ये कह सकते हैं कि आप जो रियल ट्रेड करोगे 100% तो नहीं, पर ये 95-98% सेम ही होगी, क्योंकि वो प्राइस वहीं से ट्रैक कर रहा है, अलर्ट वहीं से ट्रैक कर रहा है, जो टाइमिंग है वो सारी वहीं से ट्रैक कर रहा है। तो 95-98% आपकी एक्यूरेसी सही होगी। अगर आपको यहाँ 1000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो इट्स मीन कि आपको रियलिटी में भी 900 से 1000 के बीच में प्रॉफिट ही होगा, मतलब यहाँ पर कुछ भी फेक नहीं है, सारा आपकी कंडीशन पे चल रहा है। पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप फुल्ली एल्गो कोड लगा देते हो, एग्जाम्पल के लिए मैंने फुल्ली एल्गो कोड लगा दिया, एक बार बाय कर रहा पुरानी पोजीशन क्लोज कर रहा, एक बार सेल कर रहा पुरानी पोजीशन क्लोज कर रहा है, इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो चलता ही रहेगा ऐसे। तो इसे रोकने के लिए हमें नीचे वाला कोड लेना पड़ेगा जो बाय सेल का है, तो हमें अपोजिट साइड का कोड लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हम जाते हैं और हमने देखा हमारी जो एनएससी की जो बैंक निफ्टी की पोजीशन है उसके अंदर बाय पोजीशन चल रही है। एंड अभी इसे रोकने के लिए कि मतलब अब हमें है ना बाय करना ना सेल करना ऐसा कुछ नहीं करना, काटने के लिए एक्टिव पोजीशन को हमें सेल करना पड़ेगा, क्योंकि बाय इसका अपोजिट क्या है, सेल। तो हमने सेल का कोड उठाया, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से सेल का कोड उठा लेता हूँ एंड सेल का कोड उठाया। एंड इसके ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी सारी वीडियो बनने वाली है इसके ऊपर, और बहुत काम की चीज़ें जो ये बनाई है। और एक बात मैं बता दूं, पूरी मार्केट के अंदर लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं, किसी ने भी पेपर ट्रेडिंग है ना हिम्मत नहीं करी कि हाँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बना दें। सबने बना तो रखे हैं, वो पता नहीं किस तरीके से डाटा गैट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, पर किसी ने भी ना यूएस के अंदर किसी ने करा, ना इंडिया के अंदर किसी ने करा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने ट्रेडिंग व्यू से पेपर ट्रेडिंग करा दी। इन्होंने फीचर तो दे रखा, खुद का फीचर दे रखा है ट्रेडिंग व्यू ने, जो मैनुअल करना पड़ता है, पर ऑटोमेशन में मैंने ट्रेडिंग व्यू से पेपर ट्रेडिंग करा दी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जिससे कि मेरे को एक्यूरेट डाटा मिल जाएगा कि हाँ मेरी पोटेंशियल क्या है, मैं जो मेरी जो स्ट्रैटेजी उसकी पोटेंशियल क्या है, वो सही है गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना, बहुत बड़ी बात है कि ट्रेडिंग व्यू से आप अपनी लाइव स्ट्रैटेजी, जो भी आपकी कस्टम स्ट्रैटेजी है, उसका आप रेशियो देख सकते हो। वैसे तो आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू पे, आप पर आपको उसका इंडिकेटर बिल्ड करना पड़ेगा और स्ट्रैटेजी में बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे अगर दो तरीके के इंडिकेटर होते हैं, एक होती है स्ट्रैटेजी जिसके अंदर आप बैक टेस्टिंग करते हो, एक होती है स्टडी जिसके अंदर आप काम करते हो, अलर्ट्स वगैरह लगाते हो। तो वो चीज़ें थोड़ा सा जो टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते उनके लिए हार्ड थी। तो अगर आप फ्यूचर का डाटा देखना चाहते हो कि हाँ अगर हम इस इंडिकेटर को लगाते हैं और फ्यूचर लाइव मार्केट में क्या होता, तो इस चीज़ को देख सकते हो। तो अब मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने सेल का कोड लगा दिया नीचे एंड मैं आपको बता दूँ हमारी बाय की पोजीशन एक्टिव है, और वो भी फुल्ली ऑटोमेशन वाली एक्टिव है। मैं आपको दिखा देता हूँ, फुल्ली ऑटोमेशन वाली एक्टिवेट है, क्योंकि वो हमारा बाय बार एक पोजीशन क्लोज हो रही है, नई पोजीशन लग रही। पर इसे डीएक्टिवेट करने के लिए हमें सेल का अपोजिट कोड लगाना पड़ेगा, मैं अपोजिट लगा देता हूँ। एंड एक दो दिन में इस पर कई सारे इंडिकेटर पे भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, जिससे आप फुल्ली ऑटोमेशन, क्योंकि मैंने अभी हॉरिजेंटल लाइन से लगाया है एंड काफ़ी लोग हो गए जिन्हें ये समझ भी नहीं आ रहा होगा, हॉरिजेंटल लाइन से तो ये मैनुअली ही हो गया टिगर कराना, नहीं आप कोई भी इंडिकेटर लगा के कर सकते हो। अच्छा ये टिगर हो गया, मैं एक बार लेके चलता हूँ आपको एंड मास्टर रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर अभी ये फिर से लोड ले रहा है, लोडिंग लेने दीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपकी अभी यहाँ पोजीशन कट जाएगी और काफ़ी अच्छा आपको रेशो देखने को मिलेगा। एक बार हम इसे एक मिनट, हाँ आ गया। तो ये डाटा थोड़ा सा लोड लेने में टाइम ले रहा है,
तो आप जितनी बार रिफ्रेश करोगे, मतलब आप एक बार फुल्ली ऑटोमेशन लगा देते हो, आपको एक बार हार्ड रिफ्रेश करने की जरूरत है, सारा जो भी डाटा डाटा बेस में है वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इनने एग्जिट पोजिशन कर दी और एक्टिव पोजिशन के अंदर कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा काम हो गया है एंड आप इसे कई सारे स्टॉक में लगा सकते हो, पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी डाटा है वो रात को 12 मतलब 11:30 से 12:30 के बीच में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। अगर आप उसे रखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा एंड जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हो, जैसे मैं पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता हूँ, ये पूरी डाटा की मेरी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो अभी ये डाउनलोड क्यों नहीं हुई, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ जी डाउनलोड हो गई, पर ये दूसरी जगह दूसरी विंडो में चलेगी, उस विंडो को मैं लेके आता हूँ। ये विंडो भी नहीं आ रही, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट पहले ये लोड होने दीजिए। ये दूसरे मॉनिटर के अंदर मेरी विंडो खुल रही है, जैसे लोड होती है मैं आपको दिखाता हूँ। एंड ये फिर से दूसरा मॉनिटर खुल गया, दो बार क्लिक हुआ था। कहने का मतलब आप इस पर क्लिक करोगे, XML फाइल, CVC फाइल वगैरह वगैरह कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एक बार फिर से मैं करके देखता हूँ, टेक्स्ट फाइल करके देखता हूँ, अगर इधर ही हो जाए। ये देखिए टेक्स्ट फाइल हो गई, मैं इसे ओपन करता हूँ, वो दूसरी विंडो में खुली और वो विंडो भी इनकरप्ट हो गई, मतलब जो टैब खुली वो इनकरप्ट हो गई, पता नहीं कौन से ब्राउजर में खुली। ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो मैंने ओपन करा, ये भी दूसरी विंडो में चलेगी, ये हमारी पोजीशन वगैरह आ गई। आप अपने एक्सेल फाइल जो भी चाहते हो उसके अंदर ये डाटा ले सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लेना चाहते तो रात को 12 बजे ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। पूरे दिन में अभी जो लिमिटेशन है 100 ऑर्डर की है कि 24 घंटे में आप 100 ऑर्डर ही डाल सकते हो, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास नहीं आएगी। टोटल लॉस एंड प्रॉफिट आपको यहाँ दिख जाएगा, जितनी भी ट्रेड टोटल जो ट्रेड हुई है वो 8 हुई है एंड जो टोटल लॉस एंड प्रॉफिट है वो इतना हुआ है। अब ये बीटा टेस्टिंग के अंदर है, इन फ्यूचर धीरे धीरे हमें पता चलता रहेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे उस पीस पे करेंगे हम। अब एज एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, जैसे सपोज मानो मैंने एक मैकडी इंडिकेटर ले लिया, मैं सारी कोडिंग को बंद कर देता हूँ, एक मैकडी इंडिकेटर ले लेता हूँ। तो मैं इधर गया एंड मैंने यहाँ से मैकडी ले लिया, मैकडी MACD, ये मैकडी इंडिकेटर ले लिया। तो ये हमने मैकडी इंडिकेटर लिया एंड ये अप्लाई हो गया नीचे इस तरीके से। तो अब मैं चाहता हूं जैसे ये यहां पर क्रॉस हो मेरा सेल हो जाए, यहां पर क्रॉस हो मेरा बाय हो जाए। कहने का मतलब ये है कि यहां पर पुरानी पोजीशन क्लोज हो जाए, नई पोजीशन बाय की लग जाए, फिर यहां पर पुरानी पोजीशन क्लोज हो जाए, नई पोजीशन सेल की लग जाए। तो बस मुझे इंडिकेटर के अंदर इधर अपनी कंडीशन अलर्ट्स बनाने एंड कोड डाल देने, पूरा दिन चलता रहेगा, उसके बाद आप सब कुछ ऑफ कर दीजिए। अभी तो ये बेसिक वीडियो थी जिससे जो काफी यूजर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट इसकी जो डिटेल वीडियो है, दो चार वीडियो डालूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा ऑटोमेशन कैसे होती है। अगर अभी भी कुछ नहीं समझ आया तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां का मैसेज कर दीजिए, आपको आपको आंसर मिल जाएगा। प्लस दूसरी बात है, जो ये लिंक है, जो ये कोड का लिंक है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट इस कोड को फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एंड कोई भी दिक्कत आती है फोन कर लीजिएगा, अगर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो एनी डेस्क डाउनलोड करके मेरे को कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।